मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ नेहरू प्लेस में ग्राफिक कार्ड्स के क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं। मैं आपको ए टू जेड ग्राफिक कार्ड्स दिखाऊंगा ये कंप्लीट वीडियो में। एनवीडिया एएमडी सारे ग्राफिक कार्ड्स हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ फैंडम पीसी में और देखते हैं ग्राफिक कार्ड्स के क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं नेहरू प्लेस में। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया फैंडम पीसी में। तो आकाश सर कैसे हो आप? बढ़िया भैया, बढ़िया। मैं भी मस्त हूँ आकाश सर। अभी ये कंप्लीट वीडियो में हम लोग प्लान कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स के क्या क्या प्राइसेस है नेहरू प्लेस में दिल्ली में। तो अभी प्राइसेस सर कैसे हो गए आफ्टर क्रिप्टो क्रैश? फिलहाल तो भैया 2-3 महीने से प्राइसेस स्टेबल है। 1000-2000 रुपीज का अप डाउन है, वो तो जनरल है, वो डॉलर प्राइसेस और जो भी फ्लक्चुएशन पे चलता रहता है। ओके, और डिक्रीजिंग में है सर अभी भी? फिलहाल 2 महीने बाद मुझे लगता है डिक्रीज होगा। एक बार 40-70 टीआई तक अभी लॉन्च हुआ है, उसके नीचे जब कोई लॉन्च होगा कार्ड तो डिक्रीज होगा। फिलहाल तो मेरे हिसाब से नहीं। ओके सर, तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस में। क्या क्या आपके पास एसक्यूज अवेलेबल है? सर सारी एसक्यूज अवेलेबल है। वो स्टार्ट करते हैं 1GB कार्ड से। ये हमारा एक डिस्प्ले कार्ड होता है, 210 1GB आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका 2100 रुपए का ग्राफिक कार्ड होता है। ये भी एक डिस्प्ले कार्ड ही है, ये 210 2GB ग्राफिक कार्ड होता है। इसका कॉस्ट 2400 रुपए होता है। 2GB में आपको 4-5 तरह के वेरिएंट मिल जाएंगे। ये तो जैसे 610 हो गया, ये किसी के अंदर आपको एक 710 मिल जाएगा गीगाबाइट ब्रांड का। ये 3400 रुपीज का है। सेम प्राइस में आपको 3400 में ही 710 2GB जोटेक मिल जाएगा। एक आता है आपका 710 2GB कलरफुल ब्रांड में, ये 3100 में आपको मिल जाएगा। 2GB DDR5 के अंदर एक आपको मिल जाएगा, ये आपका 3900 का आ जाएगा। ये भी एक बेसिक कार्ड है, लेकिन किसी को VRAM इसकी 4GB चाहिए होती है तो वो इसको प्रेफर करता है। तो ये आपको 734GB मिल जाएगा, 4500 का आ जाएगा। NVIDIA ने एक नया ग्राफिक कार्ड लॉन्च करा है, ये पुराना है वैसे, लेकिन बीच में स्टॉक खत्म हो गया था, फिर से अवेलेबल है आजकल। ये 1030 4GB वाला कार्ड है, इसका आपका प्राइस आ जाएगा 7800। ये तो हो गए सारे डिस्प्ले कार्ड्स, पर एज अ गेमर आप सजेस्ट करते हो किसी गेमर्स को ये सारे बजट डिस्प्ले कार्ड्स यूज करने के लिए? नहीं भैया, ये तो सारे बेसिक कार्ड्स हैं। हाँ, कुछ लोगों का बजट नहीं होता तो 1030 4GB अच्छा सेल आउट होता है। okay. लेकिन इसके बाद जो ठीक ठाक से कार्ड शुरू होते हैं वो अब शुरू होंगे। तो अब हम आते हैं 1050 Ti 4GB पे। 1050 Ti आपको 12000 रुपए में मिल जाएगा 4GB DDR5। इसके बाद आपको मिलेगा सर 1650 4GB आपको मिलेगा 13500 रुपए में। इसमें आपको DDR5 भी मिल जाएगा एंड DDR6 भी मिल जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा सर 1660 Super और 1660 Ti। ये दोनों एक ही रेंज के कार्ड्स हैं, ये 18500 रुपए के। दोनों के प्राइसेस सेम? हाँ, दोनों के प्राइसेस सेम है, आप कोई सा ले लो। ये दोनों 6GB DDR6 है। और इसमें सर देखने जाए हाई एंड ब्रांड्स में जैसे कि Asus हो गए, Asus में आपको टफ गेमिंग मिल जाएगा 1660 Super, वो 20000 रुपए का आएगा। सर अभी आते हैं RTX सीरीज में। RTX सीरीज में आपके पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है RTX सीरीज में? RTX भी स्टार्ट हो जाती है आपका 2060 से। तो RTX 2060 6GB DDR6 आपको मिल जाएगा, ये विद PC बिल 22000 रुपीज का है। इसके बाद आएगा आपका सर 2060 Super। 2060 Super आपको 24000 में मिल जाएगा। ये 8GB का कार्ड होता है। आप देख रहे होंगे कि 3050 नहीं है। 3050 इसलिए नहीं है क्योंकि जब 2060 Super उस प्राइस में है ना तो कोई कस्टमर 3050 पे जाता नहीं है। और 2060 Super का परफॉर्मेंस 3050 से मच बेटर है, मच बेटर। तो आते हैं 3060 सीरीज में। सर ये कार्ड्स बहुत ही ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये 3060 सर मेन कार्ड है। 3060 हम पीसी बिल्ड में स्टार्टिंग फ्रॉम 27000 है, लेकिन ओनली विद पीसी बिल्ड। किसी को सिर्फ कार्ड चाहिए तो वो 30000 का होगा। 27 में हम आपको दे सकते हैं वो गैलेक्स कलरफुल इनो 3D, तीन ब्रांड्स दे सकते हैं। उसके बाद पीसी बिल्ड में 3060 अगर आसूस भी आपको मिल जाएगा, ये 30000 में हम दे देंगे। इनो 3D आपको विद पीसी बिल्ड तो 27 का मिल जाएगा, सोलो कार्ड चाहिए तो 30000। गैलेक्स में दो वेरियंट आते हैं, एक आता है 3060 8GB, एक आता है 3060 12GB। इसमें 3060 8GB भी आपको मिल जाएगा, वो 27500 का है। और जो 12GB है 27 का मिल जाएगा इवन, लेकिन वो विद ओनली पीसी बिल्ड है। इसके बाद एक आता है 3060 में RGB वाला वेरिएंट, RGB होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये आपको विद पीसी बिल्ड 30000 का मिल जाएगा। तो सर अभी आते हैं 3060 Ti पे। 3060 Ti में आपके पास क्या क्या एसक्यूज अवेलेबल? 3060 Ti में सर एक गैलेक्स मिल जाएगा आपको, एक हमारे पास इनो 3D मिल जाएगा, कलरफुल मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 32000 है। अब इसी के अंदर आपको प्रीमियम ब्रांड्स पे जाना है, उसके अंदर हमें एक आसूस मिल जाएगा, गीगाबाइट मिल जाएगा। ये इन दोनों के प्राइसेस 35000 है। okay. एक इसके अंदर एक आपको 3060 Ti में गेमिंग एक्स भी मिल जाएगा, ये 37000 का है। ट्रिपल फैन वर्जन है वो भी मिल जाएंगे। ट्रिपल फैन वर्जन में 37000 में आपको Asus टफ गीगाबाइट गेमिंग ओसी वो भी मिल जाएगा। आते 3070 में। सर ये 3070 देखने को नहीं मिल रहा है जब से 4070 Ti लॉन्च हुआ है, तो आपके पास एक अवेलेबल है? एक ही SQ अवेलेबल है हमारे पास 3070 के अंदर, इनो 3D का IHL X3 वाला कार्ड है। ये आपको विद पीसी बिल्ड हम 39000 में दे देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट SQ है वो है 3070 Ti। 3070 Ti में आपको डुअल फैन, ट्रिपल फैन, फोर फैन सब मिल जाएगा। 3070 Ti के अंदर जो डुअल फैन है वो स्टार्टिंग फ्रॉम है 47000, ये वाले गैलेक्स का आपको मिल जाएगा 47000 में। इसको कहते हैं SG एडिशन, ये SG एडिशन के नाम से फेमस है। इसमें चार फैन होते हैं और एक कार्ड का स्टैंड भी आता है इसके अंदर, SG के अंदर। और ये RGB कार्ड होता है, ये आपको 50000 में विद पीसी बिल्ड मिल जाएगा। जोटेक में आपको ट्रिनिटी मिल जाएगा, ये भी 50000 का है। जोटेक बस वही कस्टमर लेता है जिसको 5 ईयर्स का वो होता है आजकल। बाकी परफॉर्मेंस में देखा जाए तो गैलेक्सी नो मच बेटर है। पर आजकल सर जैसे कि सेकंड हैंड कार्ड्स जो भी मार्केट में फ्लश आउट हो रहे, तो रजिस्ट्रेशन करना जरा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद जोटेक जो भी ब्रांड्स आप ले रहे हो। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन हाँ मतलब आप डिसेंट जगह से लोगे तो ऐसे
से वो नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आ जाएगा उसी के अंदर 3070 Ti में Trinity OC, Trinity OC वाला वर्जन जो है 54,000 का है। एक इसी में 3070 Ti HL X4 आपको मिल जाएगा, ये भी 53,000 का है। तो सर आगे बढ़ने से पहले मुझे सर आपके शॉप के बारे में जरा बताना, आपका शॉप नेहरू प्लेस में कैसा है, क्या क्या स्पेशलिटी है आपके शॉप पे और एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? अभी हम नीचे थे ही तो नीचे भीड़ थी, इसलिए हम ऊपर गोडाउन में आए हैं। एक बार नीचे चल के फिर वो सारा दिखाते हैं कहाँ पे है क्या है। हमारा शोरूम नेहरू प्लेस में अवेलेबल है, सोना स्वीट्स के सामने। कोई भी नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे आता है उसको जस्ट सत्यम के अपोजिट बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चलते हुए आना है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्टोर अवेलेबल है। हमारे स्टोर का एड्रेस है 102 बजाज हाउस नेहरू प्लेस। तो सर नेहरू प्लेस में बहुत सारे स्टोर है, तो आपके स्टोर में ऐसा क्या स्पेशलिटी है लोग आपसे पीसी बाय करें? जो भी क्लाइंट है कस्टमर है एक बार हमारे स्टोर पे विजिट करे उसको वैसे खुद ही पता चल जाएगा। बाकी हम लोगों की जो स्पेशलिटी है वो गेमिंग और वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में है। हमारे यहाँ पे हर तरह के ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, हर तरह के कैबिनेट अवेलेबल है, कस्टम लिक्विड कूलिंग से लेकर हर तरह के पीसीज बिल्ड करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आते हैं 3080 पे। 3080 10GB आपको मिल जाएगा 65,000 का। ओके, और 3080 में सर और ब्रांड्स देखने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक आधे एसक्यूज बचे हैं। ये गैलेक्सी का एसजी एडिशन 4 फैन वाला, ये मिल जाएगा 65,000 का 10GB। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट 3080 है, 3080 आई नहीं मिलेगा अभी हमारे पास तो नहीं अवेलेबल। तो सर अभी आते हैं 3090 पे। 3090 पे आपके पास लिक्विड कूल कार्ड अवेलेबल है, लिक्विड कूल्ड भी है, एयर कूल्ड भी अवेलेबल है। एयर कूल्ड में तो MSI वेंटस है, वो 1,05,000 का मिल जाएगा। लिक्विड कूल्ड के अंदर हमारे पास आईचिल वाला है, एक दो कार्ड पड़े हैं। ये कार्ड तो आपका 95,000 का है, पर इसका जो सेटअप है वो आके ही समझाना पड़ेगा कि क्या क्या सामान लगेगा। और इसमें अगर देखने जाए सबसे सस्ता SKU 3090 में क्या एक रेंज से चालू हो जाएगा? अभी तो 3090 नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन यही MSI का 1,05,000 का अवेलेबल है, वही एक ही कार्ड है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। ओके, आते हैं अभी 40 सीरीज पे। सर 40 सीरीज में आपके पास क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? 40 में आपको मिल जाएगा 4070 Ti, 4080, 4090 भी मिल जाएगा, वो नीचे स्टोर पे है। 4070 Ti में आपको MSI वेंटस मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपको 85,000 में। एक इसके अलावा आपको मिल जाएगा गेमिंग एक्स ट्रायो, ये 94,000 का आ जाएगा। एंड एक आता है आपका 4070 Ti HL X3, ये आपको मिल जाएगा 85,000 में। इसके बाद बात करें 4080 की, 4080 में आपको HL X3 मिल जाएगा, ये 1,16,000 रुपए का है। और दूसरा अगर ब्रांड्स देखने जाए तो MSI, इसमें गीगाबाइट सस्ता मिल जाएगा, गीगाबाइट 1,10,000 का है। MSI जो है वो 1,19,000 का है, लेकिन उसके साथ 850 वाट SMPS फ्री है। ओके, मतलब जो सेल नहीं हो रहा था उनकी वजह से जो फ्री चीज आई उन्होंने फ्री डाल दिया, लेकिन उसके बाद अब मूवमेंट आ रही है। आते 4090 पे, 4090 का क्या रेंज रहेगा? 4090 में आपको जो है सर 1,50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, इनो 3D नॉर्मल X3 वाला, और 1,90,000 तक अलग अलग ब्रांड्स है। आते हैं अभी AMD कार्ड्स पे। AMD कार्ड्स में मैं देख रहा हूँ आपके पास इतने खासे SKUs नहीं है। एक्चुअली AMD भी सर अब बिकने लग गए, वैसे नहीं बिकते हैं, तो ये सारी गेमिंग रेंज वाले रखे हैं अभी, इसमें एंट्री लेवल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 6400 से, RX 6400 मिल जाएगा आपको। ये आता है 4GB DDR6, ये 12,000 रुपए का कार्ड है। 6500 XT मिल जाएगा, 1650 के इक्विवेलेंट का कार्ड है, ये आपको मिल जाएगा 14,500 रुपए में। इसके बाद जो रनिंग SKU है 6600 बहुत ज्यादा सेलिंग पे, वो समझ नहीं है स्टॉक, लेकिन 6600 XT मिल जाएगा 24,000 में। तभी भी देखने जाए अप्रोक्स अगर आपके पास आता है 6600 था तो 20,000 का पर है नहीं अवेलेबल। इसके बाद आएगा आपका 6650 XT, ये आ जाएगा 29,000 में। 6700 10GB, ये 30,500 का आपको मिल जाएगा। फिर ये 7900 XT तो न्यू लॉन्च हुआ है, ये आपको 4080 से भी ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, 1,05,000 टेक्सपीड का है। ओके, और इसमें XT देखने जाए तो 7900 XT, वो 95,000 का है। तो गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग ग्राफिक कार्ड्स, आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और सर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू।